अरे भाई, जमाना जहां हाईटेक हो रहा है तो हमारे चोर भाइयों को भी तो स्मार्ट बनना पड़ेगा ना। इसलिए आज की इस एक और स्पेशल वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट चोर दिखाने वाले हैं जिनके चोरी के तरीकों को देखकर खुद आइंस्टीन भी होश में आ जाएंगे, नहीं उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो के सबसे आखिरी चोर को तो देखना बनता है बॉस। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो कभी बैंक ना गए हों। अगर आप कभी गए हो या रोज बैंक में आना जाना पड़ता है तो सीसीटीवी वीडियो जो हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं उसे अगर नहीं देखा तो इसमें नुकसान आपका ही होने वाला है। आप अपना फोकस बस इस ब्लू कलर के दुपट्टे वाली लड़की पर रखिएगा। ये मोहतरमा बड़ी शातिर है, ये जानती है कि कब कहां और कैसे अटैक करना होता है। ये बैंक में आए इस शख्स के पास आती है और अपना हाथ उसके बैग की ओर ले जाती है। वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इसे मालूम था कि ये शख्स पैसे जमा कराने आया है, लेकिन ये मैडम जी इसके बैग में इतनी सफाई से हाथ डालती है और उन पैसों को चुराती है कि इस शख्स को तो क्या, बैंक में खड़े किसी भी शख्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। पैसा चुराया और मैडम जी फौरन पीछे हट गई। बेचारा आदमी बैंक में पैसे जमा कराने आया था मगर वो तो कहीं और ही जमा हो गए। दोस्तों, अगर आपके पास आपके खुद की कोई बाइक है जिसे आप पार्क करते वक्त हैंडल लॉक भी किया करते हैं तब भी वो सेफ नहीं होती, जानना है कैसे? देखिए इसे, यहाँ भी आपको एक बाइक किसी घर के बाहर खड़ी दिख ही रही होगी जिस पर आज ये अंकल जी नजर गड़ाए बैठे हैं। मौके की सही नजाकत देखते हुए ये अपना काम शुरू करता है। सबसे पहले बाइक के हैंडल के ही नजदीक की कुछ वायर्स को छील कर और अटैच करके बाइक के चालू होने के करंट को बाईपास कर देता है। ऐसे में अब इसे चाबी की भी कोई जरूरत नहीं। अब बारी आती है हैंडल लॉक की, वो कौन सी बड़ी बात है। ये अंकल हैंडल को एक साइड से हाथ से खींचता है और दूसरी साइड से पैर से जोर लगाता है और लीजिए हैंडल लॉक टूट भी गया। अब ये बाइक हुई इन अंकल जी की, तो कुछ समझे कि नहीं? चोरी कभी भी कहीं भी हो सकती है अगर आप सचेत नहीं रहेंगे तो। एक और शातिर चोरी की इस वीडियो क्लिप से आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए गौर से देखिएगा इस क्लिप को। इस मैडम जी को देखिए, ये मैडम जी आज अपने घर से कुछ अनोखा करने के लिए निकली हैं और पहुंच जाती है स्टोर में खड़ी दूसरी लेडी के पास। स्टोर के पास आकर और किसी चीज का ऑर्डर देकर ये मोहतरमा पास ही खड़ी लेडी के हैंड बैग में से उसका पर्स निकाल लेती है और उसे बड़ी चालाकी से अपनी और करके छुपा लेती है। जिस लेडी का पर्स चुराया गया उसे थोड़ा बहुत एहसास भी होता है कि ये लेडी इतना नजदीक क्यों चिपक रही है, मगर इस लेडी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये मोहतरमा इसका पर्स लेकर यहाँ से रवानगी ले लेती है। आज से कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपने चैनल पर डाली जिसमें हमने ये दिखाया था कि सेल्फी लेने या फिर पब्लिक में अपना फोन चलाते वक्त सावधानी थोड़ी ज्यादा बरतें। लेकिन उससे कुछ लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए अब आपको इस वीडियो के थ्रू यही चीज समझाने की कोशिश करेंगे। ये लड़की सड़क पर अपनी मस्ती में चल रही होती है कि अचानक एक बाइक पर बैठा एक लड़का और लड़की आते हैं और इसके हाथ से फोन छीन कर ले जाते हैं। ये सब इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं चला। लड़का चलती बाइक से आता है और फोन छीन कर चला भी जाता है। अब भला इसको कोई पकड़े भी तो कैसे पकड़े, इसलिए अपने फोन में अपनी ऐसी प्राइवेट चीज, फोटो या डॉक्यूमेंट कभी ना रखें जिसके इस्तेमाल से कोई हमें नुकसान ना हो। डिजिटल जमाना चल रहा है, ऐसे में बैंकिंग और एटीएम का इस्तेमाल जोरों शोरों से हो रहा है, इसलिए वो कहते हैं ना कि सुविधाओं के साथ साथ दुविधाएं भी जन्म लेती है। और हमारी ये अगली सीसीटीवी फुटेज आपके होश उड़ाकर रख देगी क्योंकि जिस चोर को आप अभी देखने जा रहे हैं इसकी टेक्नोलॉजी हमारी समझ से परे है भाई। ये शख्स एटीएम में घुसता है और घुसते एक चाबी से पहले इस पूरी मशीन को ही खोल कर कुछ छेड़खानी करते देखा जाता है। इसके बाद ये अपनी जेब से एक बच्चे के खिलौने जैसी चीज को बाहर निकाल कर पता नहीं क्या करता है। ये एटीएम मशीन ऐसे पैसे बाहर फेंकना शुरू कर देती है जैसे मानो उसके सामने पैसा खींचने वाली कोई चुंबक आ खड़ी हो।
ये मशीन एक के बाद एक करके सारे पैसों को बाहर फेंकती जाती है और ये जनाब पैसों को अपनी सभी जेबों में खचा खच भर कर यहाँ से चला जाता है। वैसे आपके हिसाब से वो खिलौने जैसी डिवाइस क्या थी जो उसे देखकर एटीएम मशीन भी पगला गई, कमेंट करके बताइए। वो अंकल जी तो याद ही होंगे जिनके पास बिना चाबी के बाइक चलाने की अनोखी कला थी। वैसे अकेले थोड़ी है, इनके जैसे कई है जो मार्केट में घूमते रहते हैं, बस मौका मिला नहीं कि सफाई दिखाना शुरू। ये लड़का भी उनमें से एक है जो आज एरी गेरी नहीं बल्कि बुलेट बाइक को चुराने वाला है। जी हाँ, बुलेट बाइक, जिसको काफी स्ट्रेंथ वाली बाइक मानी जाती है। लड़का गली से गुजरते हुए चेक कर लेता है कि उसे देखने वाला कोई नहीं है, तभी इसके हैंडल लॉक को वो अंकल जी की सिखाई टेक्निक से ही तोड़ना शुरू कर देता है। एकदम जोर लगाते हुए पहले ये इसका हैंडल लॉक तोड़ता है और फिर वायर को छील कर सेम उस अंकल की तरह करंट को बाईपास करके बुलेट को ऑन कर लेता है। बधाई हो, अब ये बुलेट इनकी जो हो गई। बैंकिंग और एटीएम से रिलेटेड एक और स्कैम ऐसा है जिसे अगर आपने नहीं जाना तो आपको काफी रुपयों का नुकसान हो सकता है। ये लड़का जो एक औजार जैसी चीज के थ्रू एटीएम से पैसे कैसे ऐंठे जाते हैं का डेमो दे रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि खुद चोरी है। इसलिए अगर आपको एटीएम में पैसे न मिले और अकाउंट से बैलेंस कट जाए तो एटीएम को न छोड़ते हुए तुरंत बैंक में कॉल करके इसकी सूचना दें, ताकि आपके और दूसरों के पैसे कोई हरामी ऐसे ही ना उड़ा ले जाए। आप चाहे कितना भी खुद के व्हीकल्स को सिक्योर कर ले, लेकिन अगर चोरों को आपकी बाइक पसंद आ गई तो फिर उसे चोरी होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग सोचते हैं कि हैंडल लॉक लगाए तो बाइक को भला क्या नुकसान, लेकिन उनको क्या पता आजकल के चोर पूरी बाइक को उठा ले जा रहे हैं। अब चाहे गाड़ी को चालू करना हो या फिर हैंडल लॉक तोड़ना हो, सब काम अपने घर ही ले जाकर करने लगे हैं। तो एक बार फिर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें तो 1,00,000 लाइक्स का टारगेट पूरा जरूर करें, वरना इस सीरीज को कंटिन्यू रखने में हमें भी मजा नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको चैनल की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी एक से बढ़कर एक वीडियोस हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, वो भी आपकी पसंदीदा फरमाइशों के साथ।